वेबसाइट में इंफॉर्मेशन देखो सुमित थैंक यू फॉर ब्रो बहुत शुक्रिया न्यूज ओके देर इज अ गुड अपडेट देर इज अ गुड अपडेट आठ नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है क्या आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है देखिए पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है उसको क्या लिखा हुआ है पढ़िए जल्दी से पढ़िए भाई ये ब्लू वाले को क्या लिखा हुआ है इसका मतलब तुम बताओ जल्दी जल्दी कोई बताओ मीनिंग ऑफ दिस अंडरलाइन ब्लू हाईलाइटेड ब्लू मैं बोला था कि नए अपडेट के साथ आने वाला है लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करते थे mm. oh, yeah. इसमें लिखा हुआ है कि Do not stalk other players from match to match. पेनल्टीज में बी इम्पोज इफ यू ट्राई टू स्टॉक अदर प्लेयर्स इन ऑर्डर टू इंटरफेयर विद नॉर्मल गेम प्ले है क्या है देखो मैं बता देता हूं डो नॉट ए एफ के ये वाला पार्ट जो है ओके okay. मतलब अभी क्या होता है वेलोरेंट में क्या होता है कि आप अगर ए एफके रहो तो आपकी टीम अगर हार जाती है तो आपको बैन पड़ता है ये लेकिन गलत है यार इंटरनेट बहुत खराब होता है लोगों का कैसे मैनेज होगा ये बताओ अगर आप एफ के रहते हैं तो पेनल्टी पड़ सकती है ये तो पहले नहीं होता था कभी ओके okay, देखो यहाँ पर कितने दिन के लिए क्या बैन लगेगा यूज डेवलप एडवर्टाइज ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूट अनऑथराइज प्रोग्राम्स और हार्डवेयर डिवाइसेस परमानेंट बैन इन्वेस्टिगेट यूज ऑफ अनऑथोराइज प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस थ्री डेज बैन

यही सब आया है नया अपडेट में of inappropriate nicknames and clan names. Days ban. गंदा नाम जो रखते हैं ना लोग इसकी वो और उसकी वो उसकी माँ की इसकी बहन की मैं तेरा बाप तू मेरा बेटा हाउ नहीं होगा ग्लिच नो प्रमोशन ऑफ ग्लिच एंड नो प्रमोशन ऑफ टीम किलिंग में पर्वन... टीम किलिंग में परमानेंट बैन अपने प्लेयर को नेट मारते और वो रिपोर्ट कर देता है परमानेंट बैन अभी अपना टीममेट को नेट मार दिया परमानेंट कसम नेट और मॉली मारना बंद आज से अब नहीं मार रहा मैं नेट और मॉली ये कैसे अबे कौन लिखा है भाई सब टीम भाई हम रैंडम जाएगा ठीक है कोई लौंडा मिलेगा वो जहां नेट फेंकेगा जहां मॉली फेंकेगा उसमें जाके लेट जाएगा और ऑप्शन में जाके उसको परमानेंट बैन करा देगा कोई मेरे टीम में आया मैं फेंका, और जाके नेट गया मॉली फेंके तो मॉली में ही गूंज गया जाके जान के और वहीं पर खेल खत्म जौहर हो गया उसका उसके बाद उसके पास ऑप्शन है डू यू वांट टू बैन योर टीम आईडी परमानेंटली वो लिखेगा यस तो हमारे तो एल लग गए नो मॉली नो नेट पैदल दौड़ेंगे बिना गन के तभी बच पाएंगे आईडी बचानी है ब्रो नेड बंद करो अगर नेड मार दी खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ बेटा तुम्हारा टीम तुम्हारी बोलेगा ग्लेशियर दो नहीं तो आईडी डी करा पैन पेन खेलो पेंच <laughs> <laughs> खाली पेन फाइट होगा भाई नो नेट नो मोली सीओ का कॉल करो पबजी के सीओ को कॉल करो कॉल करो आ गया फोन कहा गया फोन कहाँ गया दो फोन से कॉल करेंगे हेलो पबजी वाली ओ नया नया ड्रेस सिल रहे हैं क्या अच्छा लॉन्च के साथ ही नया ड्रेस आने वाला है क्या कहाँ सिल रहे धोती सिल रहे हैं क्या धोती क्या सिलने की ज़रूरत है लड़कियों के लिए साड़ी और लड़कों के लिए धोती धोती कहाँ सिलते हैं भाई धोती तो ऐसे पूरा लंबा लंबा होता है नहीं नहीं एक अपडेट आया है टीम किलिंग परमानें बैन यहां तो स्कैम हो जाएगा ना भाई कोई जान के मेरा मोली में कूद गया तो मेरा आईडी बैन हो जाएगा अच्छा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे थे क्या गवर्नमेंट मना किया ऐसा करने से टीम किलिंग इज नॉट अलाउड तभी गेम लॉन्च करने के लिए दिया है थैंक यू फॉरशिप आपका ये सपोर्ट बैन से खेलना भी है पिस्टल फाइट एंड फिस्ट फाइट ओनली और कार में चलते चलते डेंड मार दिया कोई तो अपना ही तो तो तीन लोग एक बार गलती से किसी को मार दिया था आईडी बैन कर देंगे इफ यू हैव टेंडेंसी इफ यू हैव टेंडेंसी टू डू इट क्या बार बार कर रहे ऐसा तब आपकी आईडी बैन होगी चिंता नहीं करने की बात है एक आध बार मार सकते हो चार पांच बार नहीं एक आध बार टीम किलिंग में परमानेंट वैम है और टीमिंग में परमानेंट वैन अच्छा तो भैया देख लीजिए नो बिग फैन ओके ओनली बूम बम जो जम्प करता है पहले मारिए वही आईडी बैन कराएगा गेम में पहुंचे ठीक है शाउट आउट दीजिए उसको दूर से पिक शाउट आउट तो दे जंपिंग से दे दीजिए उसको कोई करा ना तो जम्पिंग वो बंदा जरूर करा देगा आपकी आई बैन ट्राई करके देखना भैया हम नहीं भाई हम कुछ ट्राई नहीं करेंगे बहुत मुश्किल से तो आइडिया आई है हमारी हम कुछ ट्राई नहीं करेंगे माकसम गेम प्ले इंटरफेरेंस में थर्टी डेज बैन गेम प्ले इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि कोई गेम खेल रहा है उसको इंटरफेयर कर रहे हैं मां कसम इंटरफेरेंस का ही तो गेम है व्हाट व्हाट इज डू यू मीन बाय गेम प्ले इंटरफेरेंस अच्छा अपने गेम को इंटरफेयर कर रहे हैं तीस दिन का मैन होगा उसमें किसी के गेम प्ले को इंटरफेयर कर रहे हैं या अपने गेम को इंटरफेयर कर रहे हैं स्टॉकिंग मतलब स्ट्रीम स्नाइपिंग उसमें परमानेंट बैन कुछ ही हुआ पब्लिशिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फोन नंबर और नंबर दिए ना बेटा ई मेल आई डी दिए ना ऊपर में पासवर्ड दिए तो पट से तुमको परमानेंट बैन मिलेगा परमानेंट्यूजिंग में परमानेंट बैन बहुत सारे यूट्यूबर तो ऐसे ही हड़क गए आई लाइक दिस पार्ट वाला हम भी नहीं देगा गाली देता भी नहीं रेखो भैया स्ट्रीम स्नाइप का पता कैसे चलेगा गेम वालों को पता चल जाएगा ब्रो पता चल जाएगा हर चीज कोड होता है सारी मूवमेंट कोड में रजिस्टर होती है कौन बंदा किधर से जा रहा है कहाँ जा रहा मान लो मेरे को कोई स्ट्रीम स्नाइप कर रहा है तो मेरा एक सेट ऑफ कोड्स है है जो मूव कर रहा है, पूरे एड्रेस में पूरा मैप में और इस बंदे का सेट ऑफ कोड्स है जो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है हम जहां जा रहे हैं वहां पहुंच जा रहा है हर मैच में आ जा रहा है लॉबी में वेट कर रहा है और मेरे से मैच मेकिंग कर रहा है रिपीटेड होगा ना तो समझ में आ जाएगा और कौन किसका चेक करेंगे जैसे मान लो कि मेरे को किसी पर डाउट हुआ तो मैं बोलूंगा चैट मिस किया कुणाल भाई का सर जी अगर रश करते हुए नेड मारा और अपना टीममेट मर गया तो परमानेंट बहन <laughs> <laughs> परमानेंट बैन भाई परमानेंट बैन, बैन क्या मुझे भाई

स्प्रेड like service प्लेटफॉर्म इम्पर्सनेट अच्छा वो लोग होता है oh. वो जो लोग गाली वाली लिख देते हैं ना कस्टमर केयर को वहां बैन की बैन कर उसको बैन कर वो हैकर था वो परमानेंट बैन है उसमें इम्पर्सनेट वन सेल्फ एज एन एम्प्लॉयट एन स्प्रेडर्स भाई पबजी मोबाइल के सी को को हम गलिया भी नहीं पाएंगे भाई भाई पबजी मोबाइल के सीओ को हम तो गलिया भी नहीं पाएंगे abnormal gameplay गेम प्ले परमानेंट बैन इन अप्रोप्रियट एडवर्टीजमेंट परमानेंट बैन इन अप्रोप्रियट यूज ऑफ प्रोफाइल फोटो बहुत मिया खलीफा और डेनी डेनियेगा इसमें फोटो गलत लगाओगे तो एब नॉर्मल पेमेंट ऑफ एंड सब्सक्रिप्शन लोगों का अच्छा खरीद नहीं करेंगे गलत चीज है Do not practice it. चिकन से ज्यादा बैंड पर कंसेंट्रेट करना पड़ेगा <laughs> चिकन वो नहीं हो ये नहीं करूंगा बैन वो नहीं करूंगा मैं। ठीक है